तो नमस्कार समस्त हेली हापी स्वागत जनावी आपण मानक मो चेल हापी फर्स्ट स्टूडेंट्स रे। तो आज आम मैंने पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट आपको बेसिक्स कहि ता सहित आपण को पूरा कंपिटेटिव पर्यटन नहीं जी जमी आप सीटी हो बीएड हो अन्य कौन सी प्रकार कंपिटेटिव एग्जाम हो डेफिनेटली आप क्राक करेंगे। तो चलतु डेरी न करके आरंभ करवा आम सिंपल तो पाने तो बर्तमान आम पढ़ा जो सिंपल इंटरेस्ट जोटा को आम ओडिया कौन कही था ना आमर सरल सुध ठीक अच्छे सरल सुध। तो ये सरल सुध बर्तमान आम पढ़ा ये सरल सुध पढ़ला बेलकू मुझक डायरेक्टली फर्मूला उपरकू नहीं जा तो फर्मूला आमर हूँ पी टी आर बाय हंड्रेड। तो ये पी टी आर बाय हंड्रेड रे जो पी ए पीटा हूँ आम मूलधन मूल धन बा इंग्लिश रे एटा को प्रिंसिपल बोली आमे कही थाउ प्रिंसिपल बोली कही थाउ। तापर टी होची आमर टाइम जोटा को आमे समय कही थाउ आ गोटे हला आर आर हे गला आमर हार हार को आमे इंग्लिश रे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोली कही थाउ ठीक अच्छे। तो वर्तमान आमे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मु आपन को कहिली बर्तमान यहाँ आम आग को बुझा देख पाने सपोज तुम बापा कौन कर तुम पड़ोसी ठारु किसी टंका उधार आनी सपोज तुम बापा कोड़े हजार टंका उधार आनी टंका ना कोड़े हजार टंका उधार आनी कोड़े हजार टंका तुम पड़ोसी जो बापा को देले से तो सेमती देदेवे ना तो सी किसी सुध ने किसी इंटरेस्ट ने ठीक अच्छे। तो से इंटरेस्टा वार्षिक हार रे थाए बेले बेले मासिक हार रे भी थाए। तो वार्षिक हार जिते बेले भी आमे मैक्सिमम सुध कैलकुलेशन करी थाऊ तो वार्षिक हार आमे केते करी थाऊ ना आमर वार्षिक हार करी थाऊ। तो वार्षिक हारटा कौन पिला माने ना वर्ष को हार माने जेमती धरिनियो आर एटी जो आर लिखिली आरटा धरिनियो पिला माने 5%। तो ये 5% रो अर्थ हैला जे से कौन करिबे 100 टंकारे वर्षकू 5 टंका नेबे 100 टंकारे वर्षकू केते टंका नेबे 5 टंका नेबे ठीक अच्छे। तो आउ टाइम हैला समय सपोज टाइम टा हैला 2 वर्ष तुम बापा से जो टंका को से तुमर जो ये अच्छा कौन ना पड़ोसी केते वर्ष रे फेरेबे ना 2 वर्ष रे फेरेबे। तो पिला माने तो 20,000 फेरेबे आउ ता सहित कौन करिबे ना सुध मिसे की फेरेबे ठीक अच्छे। तो एठी आमे आउ गोटे टर्म पढ़िबा ए ए फोर होउची अमाउंट अमाउंट को आमे ओडिया रे समूल सुध बोली कही था। तो ये जो समूल सुध कौन ना समूल सुध इज इक्वल्स टू मूलधन प्लस सुध ठीक अच्छे बा इंग्लिश रे मूलधन को पी प्लस आई ओके। सो एमती भी लिखिपारि जे ए इज इक्वल्स टू पी प्लस आई आई फॉर इंटरेस्ट ठीक अच्छे। तो ये जो क्वेश्चन टा तुम पाई लिखिली पिला माने ये क्वेश्चन टा को आमे सॉल्व करिबा देख प्रथमे मुझक कहीदेगी केमती सल्व हो फर्मूला तो पकेबा कि तार टे बेसिक जाणी पिला माने देखो आग फर्मूला रे करदे केते टंका बाहर देखा फर्मूला हूँ पिला माने सरल सुधर सिंपल इंटरेस्ट फर्मूला है यहाँ पी टी आर बाय हंड्रेड ये आउ थे लिखिदे एस आई इक्वल्स टू पी टी आर पी माने पी माने मूलधन इंटू टी इंटू आर पी टी आर माने पी इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ हो गला पी के ना 20,000 प्लस इंटू टी है के टी है आमर 2 वर्ष इंटू आर के गला ना 5% डिवाइडेड बाय 100। तो ये जदि देख दीटा शून कटिगला बर्तमान 250 के हजार हजार इंटू 2,000 टंका 2,000 टंका हो गला मोर कौन ना इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट सरल
सुध तो ये सरल सुध जो 2000 टका हो गला बापा आनी थिले केते टका ना 20,000 टका तापरे 2 वर्ष पर केते देबे ना 2,000 टका एक्स्ट्रा देबे तो टोटल से अंकल को केते फेरेबे टोटल अंकल को केते फेरेबे अमाउंट अमाउंट इज इक्वल्स टू 20,000 प्लस 2,000 समाने 22,000 रुपीज बुझी पारिल 22,000 टका तुम बापा फेरेबे चलो एटा फॉर्मूला ठीक अच्छे ना नहीं हमें ठीक है चेक कर दबा देखो पिला माने मु एठी जो कही थी तुमको कौन कही थी पिला माने तुमको बुझेला बेले मु तुमको ए बुझे थी जे बापा आनी छंदी टोटल केते टका 20,000 टका ए यार रो अर्थ होची 100 रे 5 टका देबे तुम बापा कौन करिवे ना 100 टका रे वर्ष को केते टका देबे 5 टका देबे अच्छा चलो हम एंती मल्टीप्लाई करबा जदी 100 रे 5 टका देबे ताले 20,000 रे केते टका देबे 20,000 रे केते टका देबे तमे मु अलगा ऊपर ठीक आहुरी इजी कर दउ छी देखो पिला माने 100 रे केते टका देबे ना 5 टका देबे 200 रे 10 टका तो सेही बेला जदी 100 रे 5 टका 1000 रे केते टका देबे 100 रो 10 गुण हला 1000 रे तेनु करी जदी 100 रे 5 टका 1000 रे केते टका 1000 रे देबे तम बापा केते टका ना 50 टका एटी 5 टका दउथिले 100 रे 1000 टका रे 5 जो 50 टका एटा सब मु गोटे वर्ष पई कहू छी 1 इयर पई कहू छी ठीक अछि तो जदी 1000 रे 5 टका सॉरी 50 टका ताले 20,000 तो 1000 रे 20 गुणा केते ना 20,000 तो 20,000 माने मु एटी जदी इनटू 20 कली तो एटी 20,000 हे गला तो 20,000 केते देबे 50 रे इनटू 20 कर देबी ताले केते हे जीवो 50 इनटू 20 केते हे गला 1000 रे 50 इनटू 20 केते हे गला 1000 रे तो वर्ष को बापा केते टका देले 1000 टका देले तो 2 वर्ष रे केते दे देबे 2 वर्ष तो 2 इयर रे दे देबे जदि वर्ष को 1000 2 वर्ष रे 1000 इनटू 2 समाने 2000 टका सुध देबे तो ए भली तमे जानी परुथिबो जे तमु केमिति जोटा पूरा बेसिक हमर मैथमेटिक्स जानी छी माने जे मिसान पडान तृतीय चतुर्थ र पिला ए प्रोसेस रे भी केते टका सुध दिया जिवो काढी देई पारिबो किंतु आम पाखरे फार्मूला अछि तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पीटीआर बाय 100 सो आमे काढी देई पारिबा जे हमर केते टका सुध दबा पई कि पड़िबो 2 वर्ष रे तो पिला माने ये तो बहुत सिंपल थिला किंतु जो क्वेश्चन तमो करेबी निहाती भाबरे रे पूरा कॉम्पिटिटिव लेवल रो जोटा बैंक एग्जाम रे जोटा एसएससी रे क्वेश्चन आसी थिला तो सेई गुडा को मु करबी पार्ट वाइज करबी पार्ट 1 रे मु 7टा क्वेश्चन प्रिपेयर करी छी तो से 7टी क्वेश्चन मु तमो पई आज ही पढेबी ठीक अछि अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 1 हम पाखरे कोन अछि पिला माने हमें देखी दबा तो मु तुमको बुझे देली अच्छा आउ टिक्के जिंस बुझे दबा को मोर बाकी रह गला जो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फार्मूला मु तुमको कहली पी इनटू टी इनटू आर डिवाइडेड बाय 100 तो क्वेश्चन रे केतेटा जगह रे तुमको सिंपल इंटरेस्ट देइतिबो तो तुमको कहितिबो जे पिला माने तमे मूलधन काढ़ तो एठी जो मूलधनटा सो पी इज इक्वल्स टू जदी तमे पी एठी रखिलो बाकी सबु तक कोन हबो ए जो टी इनटू आर आ 100 एपटु को पळे आसीबो एपटे कोन थिला सिंपल इंटरेस्ट थिला तो 100 टा जाईकी कोन हे जीवो गुणन हे जीवो डिवाइडेड बाय टी इनटू आर टा आसीकी हरण हे जीवो टी इनटू आर टा आसीकी हरण हे जीवो तो तेनु करी मूलधन इक्वल टू सुध गुणन 100 डिवाइडेड बाय समय इनटू सुध हार ए भली तमे काढी परिबो जदि क्वेश्चन रे तमको टी पचारी छी देन सेम फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एटी तमको टी दरकार थिला बाकी रह गला के पी आउ आर सो पी इनटू आर कर दे पारिबो क्वेश्चन रे जदि आर मागी छी सो सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय पी इनटू टी तो ए भली तमे काढी दे पारिबो तो कोनोसी प्रॉब्लम हबो नाही तो डेफिनेटली तमे इजी रे सबुरा आंसर पाई जाई पारिबो सो थैंक यू देखि बाबाई एगुडी को चलो आमे क्वेश्चन आरंभ करिबा तो देखो क्वेश्चन कोन आरंभ करिया आमे क्वेश्चन नंबर 1 मो पखरे कोन अछि ना फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 68000 माने 68000 एट 16 होल 2/3% पर annum फॉर 9 मंथ ठीक अछि तो तमको ए जो क्वेश्चन रे देई छि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एठी तमको कोन दरकार पिला माने ना सिंपल इंटरेस्ट केते सेटा काढिबो
किंतु एटी मूलधन के देजे ऑन माने फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 68,000 तो मूलधन बा प्रिंसिपल है गला तमरो 68,000 टंका ठीक अछि। तापर जदि मूलधन 68,000 हे गला ए जो परसेंट दे दे छि सेटा हला हमर रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 होल केते ना 2/3% 16 होल 2/3% एकटा हे गला हमर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम तो टाइम हे गला पिला माने 9 मंथ मु तो तमको वर्षर कहिथिली पिला माने तमे डायरेक्टली एटी मंथ दे दे छि तमे मंथ पीटीआर माने टी जागे तमे 9 पके दबो भूल हे जइबो तो तुमको ये सिंपल इंटरेस्ट काढ़ तो सिंपल इंटरेस्ट रो फॉर्मूला यू नो पीटीआर बाय 100 किंतु ये पी मो पाखे दे दे अच्छा टिके ये भाया दे कौन करद पाने मिश्र भग्नांश रे अपकृत भग्नांश कर दि 50/3% होगा। नेक्स्ट एटा 9 मंथ पिला माने 9 मंथ टा टिके देख भल भाव वर्षक केते मास 12 मास ये 12 मास रु 9 मास देछि तो 12 मास रु 9 मास 9/12 ठीक अछि 9 मंथ इक्वल टू 9/12 9/12 टाकु आमे आहुरी शॉर्ट करि दे पारिबा इक्वल टू जदि एटा 3 रे काटिबा 3 एटा 3 रे काटिबा 4 तो 3/4 इयर हे गला बुझी पारल तो जदि 9 मास अछि ताकु इयर करिवार अछि ताहाले वर्ष एटि मास रे देछि तो एटि 12 मास हरि दबो ठीक अछि ए भळिया भी हे पारिबो तो ए भळिया 3/4 इयर हे गला माने वर्ष कर 4 भाग रु 3 भाग हे गला 9 मास ठीक अछि। तो वर्तमान सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करिवा पाएंगी तमे डायरेक्ट पुट कर सिंपल इंटरेस्ट पाई पी पकेबा पड़िबो 68,000 टंका इंटू टी हेगला तुमर 9 मंथ 3/4 इंटू आर हेगला के 9/12 सॉरी एडी सॉरी टी हेगला तुमको के 3/4 तापर आर हेगला 50/3 डिवाइडेड बाय 100 तुम्हें कौन कर पा मैने जो दीटा अच्छे आपको डायरेक्टली तल को ओल्ल दि कि असुविधा ना तौक ओल्ल दि कहीं पा मैंने सपोज मुझे गोटे एग्जाम्पल दौन 3/5 डिवाइडेड बाय 4/2 ठीक अच्छे। तो ये जो जिनसटा ना यहाँ या सहित गुणन होता है यहाँ या सहित गुणन होता है ठीक अच्छे। तुम्हें जदि यहाँ सल्व करने चेषा कर देख यहाँ सल्व करने चेषा कले कमी हो पार पाने 3/5 ये 4/2 उपरक जाए ओल्टी जीव 2/4 हो कौन कहली 3टा 2 सहित गुणन है 3टा 2 सहित गुणन है आ 5टा 4 सहित गुणन है तेणुक सबुब मझी दीटा गुणन होता है। तो ये जो 100 अच्छी 100 तले आमर के 1 थाए तो मझीरे किए रहा ये 4/3 रहा एटी मझी 1 रहा तो यहाँ एटा गुणन होता है आउ गुणन होता है। तो डायरेक्टली यहाँ एटा गुणन होता है मतलब ये सारा प्रोसेस करार ना मुझे डायरेक्टली जानी गुणन हम ये मझी टर्म गुड़ाक तेणुक ये 4/3 को तलू को ओल्लदेवि इंटु 4/3 करदे मोर आंसर बाहरी पार ना तुम काल्कुलेटर बाहर करसुविधा ना। तो ये 2टा 0 कटिगला हाँ बर्तमान यहाँ 4 अच्छे 8, 6, 14 कटबनि 80, 20 चौ हाँ यहाँ भी कटिज देख एटा 4×4 बढ़ीगला के 4×4 बढ़ीगला 2×4 28 400 170 होगा बर्तमान ये 3/3 कटिगला तो 170×50 तुम करदेव 170×50 तुम जब करदेव 0000755 रखिनाला 3×5×5 8/0058 तो 8,500 होगा तुमर के सिंपल इंटरेस्ट ठीक अच्छे 8,500 होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट जोटा दे तो तार आंसर होगा 8,500 टंका तुम्हें बहुत इजी रे यार आंसर काढ़ पाईगल ठीक। चलो पाने क्वेश्चन नंबर 2 आड़ी जावा तो क्वेश्चन नंबर 2 आम पाखे कौन अच्छी देखीद तो बुझीपार पाने क्वेश्चन आमर बैंक एग्जाम सिटी रे भी हो सिटी रे भी बहुत भले एग्जाम आसुची ठीक अच्छे। तो 2 नंबर क्वेश्चन ओके फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन
3000 तो मूलधन दे देला 3000 एट 6 whole 1/4% पर annum अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देला तुमको 6 whole 1/4% पर annum फॉर द पीरियड फ्रॉम 4th February 2009 to 18th February 2009 तो ये किसी क्वेश्चन अच्छी आम सल्व करने चेस्टा करवा देख पाने तो ये सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने पड़ो बट ये मूलधन देदेला के तुम तीन हजार टाँह तो टाइम के पाने टाइम देदेला तुम अच्छा टाइम तो आम पर लिखा ये लिखिद रेट अफ इंटरेस्ट तो रेट अफ इंटरेस्ट दे तुम 6 whole 1/4% तापर टाइम ये गोटे पीरियड देखिए ये समय तो 4th February 2009 पाने को जाए जा 18th April 2009 सपोज तुम्हें ये टाँह धार कल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये टाँह दब वर्ष को ये टाँह सुध हार जो तुम पाने मंथली आनुआली किसी लिखाई नहीं तुम्हें आनुआली ही नब वार्षिक सुधार ही नब तापर टाइम टा यहाँ दे तो यही क्वेश्चन सॉल्यूशन तुम्हें केमती कर सिंपल कथा जे तुम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करियार अच्छे कारण ये मिश्र भग्नांश अच्छी तो ताको अप्रकृत करदब तो 4 6 = 24 1 25/4% हो पा मैंने ये जो टाइमटा अच्छे टाइमटा टी भलसे देख 4th February 2009 ये फेब्रुआरी मस अच्छी मझे मार्च मस अच्छी तापर एप्रिल अच्छी तापर एप्रिल अच्छी तो वर्तमान ये फेब्रुआरी मंथ्रे केतोटा दिन रहिला एठी केतोटा दिन रहिला ना एठी रहिला हमर पिला माने 4 तो 4 रु 28 केते दिन पिला माने कारण फेब्रुआरी 2009 ये तो अधि वर्ष पड़ी नथिबो अधि वर्ष केबे पड़े पिला माने मन रख अधि वर्ष टाइम जतेबेले कैलेंडर तुमको पढ़ेबी सेतेबेले मु कहिबी तो ये जो अधि वर्ष केबे पड़ी थाए ना हमर जोटा 4 द्वारा भाग होई थाए माने सपोज हमर 1996 रे अधि वर्ष पड़ी थिला 2000 मसीह रे पड़ी थिला कारण एगुडा सब 4 द्वारा विभाज्य 2004 रे पड़ी थिला 2008 रे पड़ी थिला देखो तो ये 2008 4 द्वारा विभाज्य तापर 2012 रे पड़ी थिला 2016 2020 ए वर्ष अधि वर्ष पड़ी थिला मन अच्छे 2020 अधि वर्ष पड़ी थिला तापर 2024 रे पड़ी 2026 रे पड़ी 4 वर्ष को थरे पड़ी था जोटा 4 द्वारा विभाज्य से वर्ष पड़ी था तो डेफिनेटली ये 2009 अधि वर्ष पड़ी नथिला कारण 2008 रे पड़ी थिला 2012 पड़ी थिला 9 रे पड़ी नथिला अधि वर्ष तो वर्तमान 4th February 2009 तो फेब्रुआरी मासरे केतटा दिन रहिला फेब्रुआरी मासरे पिला दिन पिला माने केतटा रहिला ना टोटल 24 दिन रहिला कारण 4 रु 28 24 दिन प्रथम दिनटा जो 4 तमे जेमदी अंगुठरे गणिबो ताले 29 दिन बाहरिबो किंतु 29 दिन हबनी कारण 4th जो फास्टटा गणा जायनी जो वर्ष धार माने जो दिन पैसा धार दिया जाए से दिन सुध कैलकुलेसन गणा जाए ना तेणुक तुमर ये 24 माने देख 4 रु 28 24 हो तो तुम्हें डायरेक्टली ये 24 लेख मार्च मस के दिनिया है था है? मार्च मस 31 दिनिया है था है आउ एप्रिल मासर ये केते दिन ना 18 एप्रिल जाए तो ये गला 18 दिन तो टोटाल केते दिन हो गला पिला माने 8 1 9 4 13 तीन रखने 1 2 1 3 3 6 1 7 केते दिन 73 दिन 73 दिन 73 डेज तो टाइम हो गला मोर 73 डेज तो 73 डेजटा पिला माने केमती करिवि मो पाखे जदि दिन अच्छी मते ताको वर्ष करियाको पड़िबो दिनटा अच्छी वर्ष करियाको पड़िबो पूर्व क्वेश्चन रे मोर 9 मास थिला 9 मास को मु वर्ष कली तो 9/12 कली कारण सेठी मास देथिला तो एठी दिन देछि तो 73 डिवाइडेड बाय वर्ष कहला 365 दिन ठीक अछि तो एठी जदि तमे करिवो ताले तमको केते मिलि जइबो पिला माने एटा हे जइबो पिला माने केते ना 1/5 जदि काटि दबो ना एटा तमरो तो 1/5 एटा 1 गुण हले एटा 5 गुण हे जइबो तो 1/5 इयर्स हे गला तमको वर्तमान सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करिबा पई पड़िबो तो फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पीटीआर बाय 100 सो 3000 इनटू टाइम इज इक्वल्स टू 1/5 इनटू आर इक्वल्स टू केते ना 25/4 डिवाइडेड बाय 100
तो यहाँ जदि कर कौन कर पड़ो नेक्स्ट स्टेप्रे तुम ये कर तुम नेक्स्ट स्टेप्रे कर गोटे स्टेप्रे करदे जे ये पाँचटा ये चारिटा तलू ओ पड़ो इंटू पाँच इंटू चार तो बर्तमान आम इजी कैलकुलेट करदेपर दीटा शून कटिगला ये पाँच पंचा पचीस बर्तमान ये चार ये कटिबना तो बर्तमान तीस पंचा के पा मैंने तीस पंचा 150 डिवाइडेड बाय 4 तो पंचस्तरी तो 37.5 है जीवो ना कि 37.55 मान 50 पैसा तो ये सिंपल इंटरेस्ट होगा पाने की दिन रुपीज 37 37 टंका 50 पैसा बुझिपारल केमी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन है तो तुम्हें ये भाव कर ठीक अच्छे तो दुई नंबर क्वेश्चन भी आम करदे पाने लिटिल ट्रिकी बट वेरी सिंपल जी थे जाणीगला ना तो डेफिनेटली से बहुत इजी कर चलो आम क्वेश्चन नंबर 3 करवा सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3 लेट्स रीड इट ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट 13 होल 1/2% पर एनम अमाउंट्स टू 2,502.50 आफ्टर 4 इयर्स फाइंड द सम ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट ओके ये प्रश्न देती कौन सी एक मूलधन सिंपल इंटरेस्ट रे माने जदि आमे तार 13 होल 1/2% माने 13 होल 1/2% हार रे वार्षिक सुध हार रे अमाउंट हो जाए माने समूल सुध एति की टंका दबा पड़े 2,250.50 आफ्टर 4 इयर ताहले फाइंड द सम ये आमको से मूलधनटा काढ़ पड़ो माने ये प्रश्न टी भलसे बुझे पिला माने कौन सी मूलधन रे जदि सरल सुध कैलकुलेशन करा जाए के ना 13.2% सुध हार रे सेटा जो माने केते टंका आमे ताकु फेरिया को पड़िबो लोकों को ना 2,250.50 4 वर्ष पर ठीक अच्छे तो तुमको ये मूलधन काढ़िया को पड़ो प्रथम क्वेश्चन देखिदेव भलसे क्वेश्चन में कौन दे कौन देना प्रथम आमको पी देना तो पीटा को मन कर एक्स बामें लिखिद लेट सम सम माने से जो मूलधनटा द लेट सम इक्वल टू एक्स ओके नेक्स्ट टाइम टाइम इज इक्वल्स टू आर सॉरी 4 वर्ष तापर टाइम दे देला रेट ऑफ इंटरेस्ट 13 होल 1/2% ठीक तो हाँ 13 होल 1/2% तापर ये मत अमाउंट दे देसी समूल सुध मान लोक को मूलधन सहित सुध मिसेकि देवी मुबी 2,250.50 2,250.50 देवी तेबे मोर मूलधनटा के एक्सटा मत काढ़ पड़ ठीक अच्छे तो एक्सटा काढ़ पड़ तो मत ये मूलधन तो पाने सिंपल इंटरेस्ट फर्मूला जानी जे पी इंटू टी इंटु आर बै 100 बा पी टी आर बै 100 तो मत ये पी जना ना तो मुझे एक्स नहीं जना अच्छे चार नहीं आरटा के पाने आरटा हो गला 13.1/2 13.26 27/2 डिवाइडेड बाय 100 तो यहाँ होगा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ होगा कौन ना मोर सिंपल इंटरेस्ट को जदि टिके सॉल्व कर देबी ताले केते हे परिबो एटा दुईटा तळु को नै आसुचे आ किछ नै हे जेबो एडी 2 दुगुणे 4 हे जेबो आउ कोन कटिबो एटा 50 हे जेबो तो एटा केते हेला 27x डिवाइडेड बाय 50 27x डिवाइडेड बाय 50 एटा सुध 27x डिवाइडेड बाय 50 एटा कोन हे गला मोर सिंपल इंटरेस्ट किंतु मते समूल सुध क्वेश्चन ने देसी तो समूल सुधटा कौन पिला माने मु जानी छी जे एनुअल इज इक्वल्स टू पी इंटू आई सॉरी पी प्लस आई सिंपल इंटरेस्ट सॉरी मूलधन प्लस सुध तो ये जो मूलधन अच्छी मो पाखे केते टंका ना एक्स सुधटा केते अच्छी पिला माने 27x + 50 इज इक्वल्स टू मूलधन प्लस सुध मो पाखे दे देसी जे 2,250.50 तो डेफिनेटली मुझे एक्स बाहर कर दे पारी केमी एटा चल ऊपर लिखिदबा टिके केते दे दे छी पिला माने जे एक्स प्लस 27x डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल्स टू 2,250.50
तो वर्तमान एटा सॉल्व केमती करी भी पिला माने ना एठु मु लॉस आगो काढ़ी दे पारिबी नले डायरेक्टली एटा हमटा नेकी ता सहित फेड़ी देथिले इथांदा किंतु एठी मु लॉस आगो काढ़ी दोसी 50 तो एठी 50 एठी किछि नै माने एक तो एटा हेगला 50x 50x प्लस 27x ओके इज इक्वल्स टू तो 2500 दुई टंका 50 पैसा तो 50 प्लस 27 इज इक्वल्स टू 77 एक्स डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल्स टू 2500 दुई टंका 50 पैसा सो 77x इज इक्वल्स टू एटा हराइतला एपर जाय गुणाय जेबो 2500 दुई इनटू 0.50 इनटू 50 तो एटा गुणा है जेबो केते हे जो गुणीले केमति गुणीबा देखो बहुत सिंपल जिनस मु डायरेक्टली 50 गुणी दे ये कर दे परबी तो तथापि तमे जानिनियो केमति गुणीबा उचित तो सबो बिना 2502.50 एडी दशमिक हटे दियो गुणन कर दियो नॉर्मल गुणन गुणन कर दे कि जेहेतु दशमिक पर दुटा संख्या आछे तो बसे दियो 0000000 5 0 0 5 5 25 रखि नला केते 5 5 25 रखि नला 2 5 2 10 2 12 2 रखि नला 1 5 0 0 1 5 5 25 आंसर रखि नला 2 5 2 10 2 12 0 0 5 2 1 5 2 1 ठीक अछि तो वर्तमान जेहेतु दशमिक माने एठी जो दशमिक बिंदु पर दुटा संख्या थिला आ एपटे दशमिक बिंदु पर कोनोसी संख्या नथिला तो टोटल एठी 2 तो एपटे मते 2 छाड़ी दबार अछि तो एतिकी हेगला मोर कोन माय गॉड एतिकी हे जीवो तापर डिवाइडेड बाय पच्चीस सौ दो पॉइंट फाइव जीरो इनटू पचास 125 ठीक अच्छी डिवाइडेड बाय 77 जदि करते भी 1625 ठीक अच्छी मोर कौन सी भूल नहीं तो यहाँ गला के ना 125 0.00 77x इक्वल टू एति की सो x इज इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाय 77 इज इक्वल्स टू 1625 टंका ठीक अच्छे तो वर्तमान मोर x वाला 1625 अर्थात ए सम टा मूल धन टा हे गला मोर 1625 तो एई भली भाब रे मु आंसर काढ़ी दे पारिली 3 नंबर रो तो वर्तमान पिला माने आमे करिबा कोटा ना आमे करिबा क्वेश्चन नंबर 4 जोटा हमको बहुत मजा आसीबो करिया पेंगे ठीक अछि ठीक चलो देखि दबा हमर क्वेश्चन नंबर 4 हम पाखरे कोन अछि ना क्वेश्चन नंबर 4 अछि द सिंपल इंटरेस्ट अक्वायर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ 2500 एट द एंड ऑफ 6 ईयर इज 1875 व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट अक्वायर्ड ऑन 6875 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेम पीरियड तो प्रश्नटा जदि पिला माने बुझिबो तो प्रश्न होची या जे गोटे मूलधन देइची 2500 टंका उपरे 6 वर्ष रे 1875 टंका सुध हुए देखो एडा हला 4 नंबर तो एठी मो पाखरे मूलधन दे देइची मूलधन हे गला केते ना 2500 टंका 2500 टंका तापरे टाइम दे देला पिला माने केते वर्ष ना 6 वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट देइनी रेट ऑफ इंटरेस्ट देइनी तापरे मते सिंपल इंटरेस्ट भी दे देला कहिला जे एटा सरल सुध होई जाउची मोर केते टका ना 1875 टका 1875 टका तेबे मदर प्रश्न होउची एया जे मोर पीटीआर एडा हला सिंपल इंटरेस्ट तो प्रश्न होउची एया जे मते जदि मूलधनटा एटी 2500 बदल रे 6875 टका हे थांदा 6875 टका हे थांदा मूलधन
टाइम भी सेम ही था टाइम टा छ वर्ष आर टा जहाँ बाहर ये भी से आई था ताले सिंपल इंटरेस्ट कहते ही था ओके व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट तो ये कौन सिंपल इंटरेस्ट है था तो ये वाली किसी प्रश्न अच्छी प्रथम मत यार सिंपल इंटरेस्ट दरकार क्वेश्चन रे कि मत आर टा जाना पड़ो ना पी टी आर दरकार तो आर टा जाना पड़ो आर टा मुझे जापरि यू देख पाने सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी टी आर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू पी होगला 2500 इंटू टी होगला 6 आर मत देनी डिवाइडेड बाय 100 करदे एमती भी करी ना डायरेक्टली पाने मत कौन करी आर र फर्मूला पकईदेपरि मुझको जोटा यही फर्मूलाटा बतईली ना आर र फर्मूला बतईली सो आर इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय मूलधन इंटू समय ये फर्मूला पकईदेपरि सो आर इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट हो गला 1875 इंटू 100 डिवाइडेड बाय मूलधन 2500 इंटू टी है 6 तो बर्तमान यहाँ जब करी तो जोड़े शून कटिगला यहाँ पाँच कटिव यहाँ भी पाँच कटि तो यहाँ पाँच कटिले पाँच यहाँ जब पाँच कटिव तेत पाँच तीरिक 15 ताल बढ़ीगला 3 पाँच सत्ता 35 बढ़ीगला के 2 5 5 25 375 ये भी पुणी थे पाँच कटिज तो पाँच यहाँ जब कटिगला तेल 5 7 35 पुणी बढ़ीगला 2 5 5 25 ये गला 75 तो 75/6 यहाँ आउ कटिवनी ना तो 75/6% हो गला मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट भूल हो गला कौटी 75/6 तो हेनी बोधे रेटा 100 × 1875 डिवाइड बाय 25 × 6 25/2 केमती गोटे हम ये 1800 कौटि गोटे मिस्टेक करुच्छे कौटी मिस्टेक है पाने देखीद लेट्स से किट अगेन आउ थे करवा टे छाड़ी छाड़ी करवा जे 1875 × 100 डिवाइडेड बाय 6 वर्ष इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं तो कैसे हो जाए 2500 ओके 1875 × 100 डिवाइडेड 2500 × 6 तो यहाँ जदि कटिगला ये जोड़े शून ये जोड़े शून कटिगला तो बर्तमान यहाँ जब पाँच कटिला पाँच यहाँ जब पाँच कटिबा तेल के 1875 हरण 5 375 375 तापर 5 5 5 5 7 35 5 7 35 पड़ेगला 2 5 5 25 तो ठीक तो है 75/6 सेम अगेन 75/6 अच्छा 7 5 12 अरे हाँ यार कटिज 75/6 ये 7 5 12 ये देख ये 3 कटिले 2 एटा 3 कटिले केते हिजिव एटा 3 कटिले केते हिजिव ना 2 3 6 सॉरी 3 कटिले 3 × 6 बढ़गला 1 3 5 15 तो 25/2 केते 25/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू होगला एटिकी तो जदि आर एटिकी बाहरी गला पिला माने तमे एठी सिंपल इंटरेस्ट काढिबार अछि मूलधन दे देछि टाइम दे देछि रेट ऑफ इंटरेस्ट केते हेगला ना 25/2% तो तमे सिंपल इंटरेस्ट काढि दे पारिबो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 6875 इंटू टाइम हेगला 6 इयर्स इंटू आर हेगला 25/2 / 100 तो डेफिनेटली दुईटा को मु तळ को नै आसीबी किछ असुविधा नाही तो एटा जदि सॉल्व करिवा तो ये हेगला 4 तो ये हेगला 3 तो कहते हम तो यहाँ 68/75 × 3 करके 4 डिवाइड बाय करिया को पड़ो एमती तुम काटिपार तो कैसे हो पाने डायरेक्टली करदे सो आई डू नॉट वांट टू टेक मच टाइम हियर सो 6875 × 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू के 5156.25
156.25. So this is the answer of my question. ठीक अच्छे तो तुम्हें ये भले चार नंबर मध्य आंसर कर दे पार आम पाखे आहरी तीनो क्वेश्चन अच्छे फटाफट आमको सल्व करिवार मध्य अच्छे. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 मो पाखे कौन अच्छे देखीदबा ना ए सम ऑफ रुपीज 800 अमाउंट्स टू रुपीज 920 इन 3 years at simple interest. Okay, if the interest rate is increased by 3%, what would be the amount? How much? तो ये दे दे ची पिला माने जे जदि 800 टंका मूलधन टा 3 वर्ष परे 920 टंका है गला सिंपल इंटरेस्ट रे तेबे जदि से रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% बढ़े दिया जाए ताहले इट वुड अमाउंट मच हाउ केते टंका अमाउंट हे जीवो. ठीक अछि तो तमको एठी दे दे छि पिला माने पी दे दे छि 800 टंका ता सहित अमाउंट भी दे दे छि 920 टंका 920 टंका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे नहीं टाइम दे दे छि 3 वर्ष टाइम दे दे छि 3 वर्ष किंतु एठी कहि छि जे जो माने एतिक टंका धार आनी थिले फेरेला बेळ को 920 टंका फेरेले तेबे एठी तमको सिंपल इंटरेस्ट भी दे देछंती. तो सिंपल इंटरेस्ट 920 माइनस 800 समान के 120 टंका. तो तमे वर्तमान एठू कोन करि दे पारिबो ना रेट ऑफ इंटरेस्ट बार कर दे पारिबो. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मु सुध गुणन 100 डिवाइडेड बाय मूलधन इनटू समय. तो सिंपल इंटरेस्ट हे गला 120. ओके सॉरी हाँ ठीक अच्छे 120 इंटु 100 डिवाइडेड बाय मूलधन है 800 इंटु टाइम है 3 वर्ष. तो ये 320 गले 40 है गला. तो वर्तमान एठी जोड़े कटिगला 48 है गले एठी गला 5. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट है गला कते परसेंट 5%. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कते है गला 5%. जदि 5% है गला प्रश्न रे दे दे छी जदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़े दिया जाए तो 5% थिला 3% बढ़े दिया गले केते परसेंट हे गला 8% हे गला. ताले अमाउंट केते हबो सेम सब रहइबो अमाउंट केते हबो तो सुध केते हबो प्रथमे सेइटा काढिया को पड़िबो. तो सुध हिजबो केते ना 800 टंका मूलधन टाइम हे गला 3 वर्ष तापरे रेट ऑफ इंटरेस्ट हे गला 8% डिवाइडेड बाय 100. तो एटी जोड़े सुन कटि गला 8 3 24 असना केते 8 3 24 असना हो छि केते पणिकिया मोर भी मने नै 20 असना 160 20 असना 160 24 असना 4 असना 32 192. तो केते टंका हे गला 192 हे गला मोर केते टंका ना मोर सुध ताले मोर अमाउंट केते हे जेबा अमाउंट इक्वल टू पी प्लस आई इज इक्वल्स टू 800 प्लस 192 इज इक्वल्स टू 992 टंका. केते टंका पिला माने ना 992 टंका. ठीक अछि सब क्वेश्चन नंबर 5 भी हमें सॉल्व करि देले तो बहुत इजी हो जिना पिला माने करिबाटा. क्वेश्चन नंबर 6 हमें देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये हमें देखी दबा कौन अच्छी. सो दिस इज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन डोंट वरी बट इट इज वेरी इजी आल्सो. आडम बरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर फास्ट 2 इयर्स. क्वेश्चन टा को मु लिखि दउ छी प्रथमे हला से किछि मनी बरो कला किछि टंका से धार आनिला. आई डोंट नो व्हाट इज द मनी. सो पी इज इक्वल्स टू एक्स किंतु प्रश्न रे दे जे मनी बरोड सम मनी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 इयर्स फॉर 2 वर्ष माने फॉर फास्ट 2 वर्ष 2 वर्ष पई से कौन कला 6% इंटरेस्ट दबो पिला माने तापरे एट द रेट ऑफ 9% इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स. तो नेक्स्ट 3 इयर तापरे 3 वर्ष पई से 9% सुध दबो तापरे फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स तापरे एट द एंड ऑफ एंड एट द रेट ऑफ 14% पर फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 इयर्स. तो नेक्स्ट 5 इयर्स ना खाली 5 इयर्स दे छे. हाँ तो 5 वर्ष रु जदि अधिक समय हैला से पैसा को जदि ता पाखरे से 5 वर्ष रु अधिक समय रखिला ताहले से कोन कर दबो
बियॉन्ड 5 इयर्स ओके बियॉन्ड 5 इयर्स से कौन करदब ना 14% लाखे सुध दब तेब इफ ही पेज टोटल इंटरेस्ट ऑफ 11400 तार केवल से सिंपल इंटरेस्ट दे देला 11400 टंका एट द एंड ऑफ 9 इयर्स ता पाखरे से टोटल मनीटा को से 9 वर्ष पर्यंत रखिला ठीक अछि तेब हाउ मच मनी डिड ही बरो से केते टंका धार करथिला एठी एक्स्ट्रा काढ़ पड़ो ठीक अछि तो प्रश्न टी ध्यान सहित जदि पे बुझे कौन कहला ना से किसी टंका धार कला प्रथम 2 वर्ष से 2% हार रे सुध दब चलो प्रथम 2 इयर तो प्रथम 2 वर्ष तार सिंपल इंटरेस्ट केते हो पे पीटीआर बाय 100 सो पी पी केते दे दे पी मते जाना ना तो पी है एक्स इंटु टी टी मैंने 2 वर्ष आर के पाने आर 2 वर्ष 6% डिवाइडेड बाय 100 ओके तापरे नेक्स्ट 3 वर्ष तापरे 2 वर्ष हो गला से टोटल केते वर्ष आनी पी मैंने यहाँ टोटाल धरनी 9 वर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक अच्छे तो वर्तमान से प्रथम 2 वर्ष 6% दब 6% तापरे बाकी 3 वर्ष 9% 9% 9% ये टोटाल हो गला गोटे वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष पर से जी समय रखिला से केते टंका लाखे दब ना 14% तो नेक्स्ट है 14 14 14 14 अच्छा 14 ओ सॉरी ठीक अच्छे ठीक अच्छे तो बाकी 4 वर्ष 14% दबा पड़ा ना कि तो ये प्रथम 2 वर्ष काढ़ीदेली नेक्स्ट 3 वर्ष के पाने एक्स इंटु 3 × 9 9% दब डिवाइडेड बाय 100 प्लस बाकी केते पिला माने ना बाकी 4 वर्ष रहला टोटल 9 वर्ष ना तो ये 5 पिला भूल पकेबनी नेक्स्ट 4 वर्ष से 14 दब तो एक्स इंटु 4 × 14 हाँ ठीक अच्छे 14 / 100 ओके तो इतनी टंका से सुध दब तो सुध टोटल सी केते देला 9 वर्ष रे टोटल दे देला 11400 टंका 11400 टंका दे देला तेब तार ए से मूलधन के तो यू सल्व कर दियो तुमर यहाँ मिलगला तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला ना कि हाँ तो पिला माने एटी केते टंका से दबा पड़ो मत कहीपर तो ये 6 × 12 ये गला 12x डिवाइडेड बाय 100 प्लस 9 × 27x डिवाइडेड बाय 100 प्लस 14 × 56x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 11400 टंका तापरे एटी लॉस आगू हो गला केते टंका इम्प्लाइज दैट लॉस आगू हो गला 100 टंका तो एटी 12x प्लस 27x प्लस 56x इक्वल्स टू 11400 तो एटी ऊपर मु कर दो इम्प्लाइज दैट एटा 12 27 56 6 7 13 13 2 15 पांच रखिनाला 1 1 1 2 2 4 4 5 9 95x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 11400 सो एक्स इज इक्वल्स टू 11400 × 100 डिवाइडेड बाय 95 तो एटा जदि आम काढ़ आमर आंसर हो जीव पिला माने केते हो काटिक देख तो ये जदि 5 काटा के 19 19 5 95 ये जदि 5 काटा 20 तो ये पुणी सल्व हम ही नहीं गुण प्रथम गुणी हरण कर तो गुणी की हरण कलापर तुम पाखे आसीज पाने के 12000 टंका सो एक्स इज इक्वल्स टू 12000 टंका ताहले तुमर जे भी बरो करी थी ले तो सी 12000 टंका करी थी ले सो क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये हमें सॉल्व कर देले सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास टुडे राइट तो क्वेश्चन नंबर 7 कौन दे दे छे देखो ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स 1008 माने कोनोसी सम ऑफ मनी मते जाना नहीं से समटा केते माने मूलधनटा केते तो मूलधनटा सपोज हो गला एक्स तो सीए कौन कला 2 वर्ष 2 वर्ष पर 1008 टंका हो गला
दुई वर्ष पर कौन हो गला माने आनुआल टा सॉरी हाँ अमाउंट हो गला के एक हजार आठ टंका किंतु तीन होल वन बाय टू तो थ्री होल वन बाय टू वर्ष पर माने एटा साढ़े तीन वर्ष पर गला के टंका ना एगारश चौसठ टंका तेबे एटी प्रश्न होची फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एटी तुमको ए सम टा बाहर को पड़ीबो आ रेट ऑफ इंटरेस्ट केते बाहर करिया पाई कि पड़ीबो तो जदि ए भली क्वेश्चन रो सॉल्यूशन बाहर करिया रो छि टिक्के दिमाग लगेया को पड़ीबो तो लगेला पोरे तमे जानि पारिबो जे 2 वर्ष पोरे से 1008 हेतिला 3 वर्ष साढ़े तीन वर्ष बेलु कि 1164 टंका हे गला तेबे एछु जो डिफरेंस टा हैला ना तो एडी तीन होल वन बाय टू माइनस दुई वर्ष तो केते हे गला पिला माने वन होल वन बाय टू देढ़ वर्ष मझीरे रहिला देढ़ वर्षर गैप तो देढ़ वर्षर गैप भितर टंकाटा केते टंका बढ़िला माने एटी इंटरेस्टा बढ़ुचे ना इंटरेस्टा बढ़ीगला तो इंटरेस्टा केते 1164 माइनस 1008 समान 14 रु 8 गले 6 तापर एटी बढ़ला 5 तो एटी 5 ओले पहला 1 1100 ओ सॉरी 156 टंका तो देढ़ वर्ष रे सुध एटा कौन सुधटा ही बढ़ी थाए तो देढ़ वर्ष रे इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1156 टंका जदि देढ़ वर्ष रे 1156 टंका हैला ताहले दुई वर्ष रे केते हे जीव तो प्रथमे सिंपली मु तुमको बुझे दोछि सिंपली बुझे बाउ गले जदि देढ़ वर्ष रे 156 टंका हैला ताहले देढ़ वर्ष रा कोन ना 6 मास 18 मास ना नै ठीक अछि तो 6 मास को केते हे गला बा तमे एमती भी करि परिबो किछ असुविधा नै 3 1 होल 1 बाय 2 टा को केते कर दबो ना 2 के 2 2 एक 3 बाय 2 ओके ए जो 3 बाय 2 वर्ष रे हे गला 156 टंका ताहले 3 बाय 2 वर्ष रे हे गला 156 टंका ताहले 1 रे केते हबो एक वर्ष रे केते हबो 156 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2 ठीक अछि तो 80 जो 1 टा अछि तो एटा केते हे जइबो 156 इंटु 2 डिवाइडेड बाय 3 ठीक अछि तो एटा एति के हे जइबो एक वर्ष रे जदि एक वर्ष रे एति केला तो 2 वर्ष रे केते हे जइबो 2 वर्ष रे केते हे जइबो 2 वर्ष रे हे जइबो 156 इंटु 2 बाय 3 इंटु 2 तो एटा जदि कर दबो ताले एटा केते हे जइबो 5 6 11 1 12 कटिबो ताले 3 दुगुणे 6 52 हे गला तो 52 दुगुणे केते 52 दुगुणे 104 104 दुगुणे केते ना 208 टंका केते टंका 208 टंका तो 2 वर्ष रे सुध मिली गला 208 टंका कोन कहली पिला माने 2 वर्ष रे सुध केते ना 208 प्रश्न रे एठी दे देतिला 2 वर्ष रे एठी की अमाउंट आइते के गला तो मते 2 वर्ष रे मु सुध काढी देली ताले मूल केते ना मूल हे गला 1008 माइनस एटा अमाउंट ना सुधटा केते ना 208 तो जदी काटी दबो जो फेडाण कर दबो ताले 8 गले 0 अच्छा 8 गले 0 गले 0 2 गले 8 10 रु 2 गले 8 10 रु 2 गले 8 एठी किछ रहला तो 800 टंका तो एठी केते टमा हे गला हमर मूलधन सो सम हे गला मोर 800 टंका जदि मूलधन मोर 800 टंका हे गला पिला माने ताहले मते रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रश्न रे पचा थिला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ता केमदि बाहरिबो तो सो आर इज इक्वल्स टू सुध गुणन 100 सुध केते बाहरि थिला सुध कोडे गला रे बापा ओ सुध केते टमा ना 208 टमा 208 टंका गुणन 100 मूलधन केते टंका ना 800 टंका समयटा केते वर्ष नै थिला ना 2 वर्ष नै थिला ठीक अछि तो एटा जदि कर दबो काट दबो तो बर्तमान 8 208 एटा कटिबो आ चलो एटा कटि देबो 104 हे जइबो 104 हे जइबो 104 हे गले 8 के 8 बढ़ेला 2 कटि जइबो ओके 8 के 8 बढ़ी गला 2 8 3 24 तो आ रेट ऑफ इंटरेस्ट हे गला केते 13% ओके
सो आमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलगला 13%। सो आज पिला माने डी एंड ठीक अच्छे। तो वीडियो भल लगला देन डेफिनेटली आगे बढ़िया तो चलो देखा आगे को मुँह कौन कौन। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। Thank you.